और जोर से बोलिए। अभी करना है या नहीं करना है? और याद किसको किया जाता है? अगर इस बात में अंतर समझ लिया है तो इसका जवाब भी मिल जाता है। पूजा किसकी की जाती है? जड़ की पूजा की जाती है, फूल की पूजा की जाती है। और याद किया जाता है चैतन्य को। और सूक्ष्म को याद उसको किया जाता है जिसने अच्छे से अच्छा काम करके दिखाया हो। तो शालिग्राम जो पत्थर की बटिया होती है उसे सूक्ष्म कहेंगे या स्थूल? स्थूल। तो अगर स्थूल पत्थर की बटिया को याद करेंगे तो पत्थर को याद करने से बुद्धि कैसी बनेगी? सत्बुद्धि बनेगी। जड़ को याद करेंगे तो जड़ बुद्धि बनेगी। चैतन्य को याद करेंगे, अविनाशी को याद करेंगे और अच्छे से अच्छा काम कर दिखाने वाले को याद करेंगे तो अंत मते सुगति हो जाती है। जवाब मिल गया है? बोलो बोलो आवाहन करो। स्वयं प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष सामने बैठा है। प्रत्यक्ष सामने बैठा है ना? कौन सामने बैठा है? ये सब सामने ही बैठे। तो जो सामने बैठे हो वो सब बाप ही हो गए? सबके लिए थोड़ी कहे हम। हाँ, किसके लिए कहे? एक के लिए कहा है। और एक जब एक एक बैठे हैं तो एक ही एक है। ये एक जो तो कोई नहीं बस। तो रावण बैठे एक अच्छे उनके स्थान पर थी। उनके स्थान पर जिन्होंने बैठा है उनके लिए कहा है? उनके स्थान पर बैठा है। उनके स्थान पर बैठा है। शरीर को पांच तत्वों से बना हुआ पुतला कहते हैं ना? शरीर जलवायु और पुत्री कहते हैं ना? ठीक है। शरीर में जल की पहचान नमी है। शरीर में जल की पहचान नमी है। जल की पहचान नमी, नमी से पता चलता है शरीर में जल है। जल है हाँ। नमी से पता चलता है शरीर में अग्नि है और वायु से स्वास्थ्य पता चलता है शरीर में वायु है। ठीक है। और पृथ्वी और आकाश कैसे पता चले है? शरीर में पृथ्वी और आकाश है। मुंह बंद करो अब बात खुला दो। तो वैक्यूम को ही आकाश कहा जाता है। इतना बड़ा शरीर रूपी दम्भ है और उसमें ढेर सारा वैक्यूम है। वो सारा का सारा आकाश का ही अंश है। और पृथ्वी का पृथ्वी
शरीर को जब जला दिया जाता है तो क्या बचता है बाबा? वो तो शरीर से आत्मा निकलने की बात, आत्मा तो निकल गई, कोई बात नहीं। लेकिन जो पांच तत्वों का पार्थिव शरीर रह गया, उसको जब अग्नि में जला दिया गया तो क्या बचा? उसको बचा कि नहीं? अरे राख बची, कोई मिट्टी है। और बाबा आत्मा रहते रहते की बात चल रही ना, शरीर में आत्मा रहते रहते। आत्मा हो तो भी पार्थिव शरीर पांच तत्वों का है, और आत्मा न हो तो भी पार्थिव शरीर पांच तत्वों का है। और अनन्य का मतलब है अन्य, जिनके जैसे कोई और न हो। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसे कोई और नहीं थे, थे या नहीं थे? अरे हाँ ना तो करो, है हे सब तो उनको पढ़ाते थे, टीचर वो बैठते थे, तब तो मुरली का है ना, ब्रह्मा सरस्वती को सिर्फ मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। और ब्राह्मण धर्म की तो कहेंगे, परंतु अव्वल नंबर ब्राह्मण की स्थापना नहीं कहेंगे। अव्वल नंबर तो पहले ही बता दिए, स्थापना कहाँ की? सामान्य ब्राह्मणों की। बाबा एक पीढ़ी ने कहा है अतिदेवों में जो दूसरा मन का है ना, सूर्यवंशियों का माँ, उनके लिए कहा है सत्यवती है ना बाबा? वो शांतनु महाराज की पत्नी मच्छी कल्याण है क्या? है शांतनु महाराज की पत्नी शांतनु है क्या? हाँ मच्छ कल्याण है क्या? शांतनु महाराज की पत्नी शांतनु जो भी बच्चे हैं एडवांस पार्टी में, चाहे मेल है और चाहे फीमेल है, अगर फीमेल बच्चे भी हैं तो मत्स्यावतार गाया हुआ है। का अवतार? मत्स्यावतार। कोई मछली है जिसका आकार इतना ज्यादा बढ़ जाता है संसार में कि लोग उसको भगवान समझने लग पड़ते हैं। वो कौन है? जगदम्बाई है। और एडवांस पार्टी में जो भी बच्चे आते हैं एक को छोड़ करके, उनमें भी जो खास बच्चियां हैं वो किसको देख करके आती? है
बच्चियां हैं उन बच्चियों में जो बाप की बनती है घर बार छोड़ बैठती है ईश्वरीय सेवा के लिए और नंबर वाला तो वो बनती है वो किसकी बच्ची है बाबा के तो सभी बच्चे हैं लेकिन जो सरेंडर होने वाली बच्चियां हैं वो किसको देख करके बच्चे बने तो जगदम्बा ही तो उनकी माता हो गई और वो मत्स्यावतार साबित होती है जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा और मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सारे ब्राह्मण परिवार की सत्ता किसके हाथ में आ गई पंजाब माताओं के हाथ में आई ना ऐसे ही एडवांस में भी ऐसा समय आवेगा राज करेगा हाल का इतना आकार बड़ा हो जाएगा कि सारी दुनिया के ऊपर राज करेगी और सीढ़ी के चित्र में जो चित्र दिखाया है कि कलयुग अंत में जाकर के देवियों का पूजा का बाला नाम हो जाता है ऐसे बहुत बाला नाम हो जाएगा आखिरी ये कौन प्रत्यक्ष होता है आखिरी जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो सारा खेल खराब हो जाता है तो रुद्रमाला में चाहे वंश का दूसरा माता हो या कोई भी माता हो अगर स्त्री चोला है और समर्पित जीवन है तो उसका जन्मदाता कौन हुआ किसको देख करके सरेंडर हुआ इसलिए महाभारत में तो पहली देवी का नाम दिखाया है सत्यवती सत्यवती को बहुत रिकॉर्ड देते हैं है? महाभारत में सत्यवती को तो फिर उनका पार्ट क्या है महाभारत में पार्ट क्या है रिकॉर्ड किसको देते हैं जो परदादी होती है उसको रिकॉर्ड देते हैं या नहीं देते हैं? तो पार्ट नहीं हुआ परदादी का तो पार्टी होता है बाबा अभी बताया जगदम्बा को देख कर आए हैं तो है उनकी उनसे भी लक्ष्य सब नहीं देख के आए सरेंडर हुए सरेंडर हुए तो भी उन्हें तो अष्टदेवों के लिस्ट में आया इन अष्टदेवों के लिस्ट में नहीं है जगदम्बा अष्टदेवों के लिस्ट में नहीं है आना बात अलग होती है जन्म लेना माँ बाप से अलग बात होती है और जन्म लेने के बाद पुरुषार्थ करके माँ बाप से भी ऊंचा पद पा लेना वो एक अलग बात होती है और
अगर लगती है तो पेट में दर्द होता है, ये पक्की बात है क्या? हाँ, तब पेट में दर्द होता है। ये अनुमान तो नहीं है, है? डॉक्टर लोग तो ऐसा नहीं कहते कि नजर लगती है तभी पेट में दर्द होता है। बाबा नजर में भी दो तरह की होता है ना, अच्छी नजर और बुरी नजर। बुरी नजर से भी हो सकता है क्या? चलो बुरी नजर हमारे ऊपर डाल दो, हमारे पेट में दर्द होता ही नहीं। डाल भी रहे जैसे भय का भूत होता है, ऐसे ही ये नजर के बारे में समझा जाता है कि नजर लग गई, बुरी नजर से बचाओ। ये कमजोर आत्मा की निशानी है। अरे हमें तो भगवान बाप मिला है जो दृष्टि से सारी दृष्टि को सर्व बनाए देता है, तो हमारे ऊपर किसकी नजर है? है? बाप की नजर है। पूरी नजर हमारा क्या बिगाड़ेगी? अमेरिका में बच्चों के लिए अच्छी डाँटती है, अच्छा डाँटते हैं भाई की, अच्छा करते हैं अमेरिका में, इसकी अच्छा करते हैं बच्चों के पढ़ने, बच्चे वाला भारत की बच्चों का हत्या करते हैं, भारत के बच्चों की हत्या करते हैं अमेरिका में, पढ़ाने वाला अमेरिका में पढ़ाने वाले बच्चे पढ़ने वाले बच्चे बाबा भाई कह रहा है। जो भारत से जो पढ़ने लिखे पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं अमेरिका में, उन लोगों का ज्यादातर हत्या किया जा रहा है, ऐसा क्यों बोल के पूछ रहा? कलयुग के अंत में कौन से धर्म का बोलबाला हो जाता है? है? सारी दुनिया में क्रिश्चियंस का बोलबाला हो जाता है। अमेरिका जो है वो महाशक्ति है और क्रिश्चियंस ग्रुप की है। हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ब्राह्मणों का ग्रुप ऐसा है, ऐसा जो क्रिश्चियन धर्म में ही कन्वर्ट होता है। और वो मायावी रूप है या राम संप्रदाय का है? तो माया क्या करती है, क्या नहीं करती है, तो क्या करती है? अभी तो बताया तब से जाति को हत्याएं करता है। और वो भी है?
जब इधर एंड होगा तो उधर भी एंड होगा। बच्चों की हत्या क्यों करते हैं? जो बच्चा बुद्धि है ज्ञान में चलने वाले उन्हीं की हत्या क्यों होती है? जो सारे बुद्धि बच्चे हैं ये मायावी रूप उनकी हत्या क्यों नहीं कर पाते? हिसाब किताब पूरा है। हाँ जी, बच्चा बुद्धि ब्रह्मा बाबा थे तो शुरुआत वहां से हुई कि नहीं हत्या करने की? कौन से समुदाय ने हत्या की? मुसलमानों ने हत्या की? बौद्धियों ने हत्या की? किसने हत्या की? कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ने ही हत्या की? वहां से हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चा बुद्धियों की हत्या होती है। ये ज्ञान में होशियार बनना चाहिए। वेद के बाप की प्रॉपर्टी ही मुख्य है ज्ञान। ये कहते हैं रिते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से ही सदगति होती है। जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा, जो ज्ञान में छोटा वो छोटा बच्चा बुद्धि। बाबा विष्णु माला युगल जोड़ा माना कपिल है ना, विष्णु माला युगल जोड़ा हाँ जी हाँ कपिल है ना, और बुझाए चलाने वाले, बुझाए चलाने वाले, चलाने वाली चार बुझाए नहीं है, वो तो चलने वाली है। चारों भुजाओं को चलाने वाली एक आत्मा अलग है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा को पंचानन। वास्तव में ब्रह्मा है चतुरानन। ब्रह्मा तो विष्णु बनता है। विष्णु और रावण में क्या फर्क है? मुख्य फर्क है कि रावण अनेक मतों वाला अनेक सिरों वाला है और विष्णु एक मत वाला है। हो जाए भले अनेक है, लेकिन नई दुनिया की पालना करने वाला जो विष्णु है वो एक मुख वाला है, एक मत वाला है। वो एक मत देने वाली आत्मा कौन? जिसके यादगार में कहा जाता है राम राज्य, राम संप्रदाय, राम की मत, राम मत गाई हुई है, कृष्ण मत गाई हुई नहीं है। कृष्ण राज्य गाया हुआ नहीं है, राम राज्य गाया हुआ। एक आत्मा है उन भुजाओं को चलाने वाली और बाकी चार आत्माएं, चार आत्माओं की सहयोगी भुजाएं चलने वाली, और वो चारों वैरायटी हैं।
कोई ऊपर की भुजाएं है, कोई नीचे की भुजाएं है, कोई लेफ्ट ईयर है, कोई राइट ईयर है। चारों के स्वभाव संस्कार पहले एक जैसे नहीं होते। तो जब एक विष्णु की मत पर चलते हैं तो स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। इसकी निशानी इसमें चतुर्भुज दिखाया गया है। वो तत्वपदान सच्ची का आदि का रूप है, अंत का रूप नहीं है। अंत का रूप है विराट रूप। विराट रूप में देवताएं भी है, राक्षस भी है, जानवर भी है। सारी शक्ति उस बीज में समाई हुई है। बाबा एक चलाने वाले और चार चलने वाले पूरा मिलकर पांच हुआ, तो फिर जोड़ा कैसे, जोड़ी कैसे हो? बताया ना कि पंचानन ब्रह्मा कहा जाता है, पांच मुख वाला। उसमें ब्रह्मा का एक मुख काट दिया गया। मुख कट जाए धड़ अलग हो जाए, वो या देहभान अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई। वो एक आत्मा अभिमानी पहले नंबर, इसलिए वो एक है चलाने वाला। और बाकी चार भुजाएं हैं चलने वाली। और जो शनि को फॉलो करने वाले हैं, शनि के पुजारी हैं, वो मंगल आदि को दूसरे ग्रहों को ईश्वर मानेंगे या शनि को मानेंगे? इसलिए नाम दिया हुआ है शनीश्वर। जैसे सोमेश्वर ऐसे नहीं कि ईश्वर अलग अलग है, लेकिन भावना के आधार पर जो फॉलोअर्स हैं वो अपने इस देव का नाम के आगे ईश्वर लगा देते हैं। वो ही भगवान है। तो शनीश्वर कहते उसका दूसरा नाम दिया है आलस्य। आलस्य पहले आता है या निद्रा पहले आती है? पुरुष पहले या स्त्री पहले? रचयिता पहले या रचना पहले? रचयिता पहले। तो आलस्य हुआ कारण और निद्रा बाद में आती है। पारो करने वाली है। जैसे पत्नी पति को पारो करती है, निद्रा स्त्रीलिंग है, आलस्य पुल्लिंग है। ऐसे नहीं कहा जाता आलस्य आई, आलस्य आया,
बाबा रिंगोल जी के चित्र में ब्रह्मा को जो दिया गया जिम्मेदारी और शंकर को जो दिया गया जिम्मेदारी, उन दोनों कार्य को संपन्न नहीं किया, मगर वैष्णवी शक्ति ने संपन्न करती है, क्योंकि राम और कृष्ण आत्मा एक कार्य को संपन्न नहीं किया, मगर वैष्णवी शक्ति को ऊंच कहना चाहिए ना, वैष्णव देवी को ही वैष्णव देवी को ही कहना चाहिए ना, रखते है ना, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले ही तो रखा है, नहीं तो काम पहले किया है तो नाम भी पहले रखे। शंकर जी के लिए कहा गया देव देव महादेव, पर उन्होंने शंकर जी भगवान का टॉपर प्रैक्टिकल नेक्स्ट टू गॉड होते हुए भी कार्य को संपन्न नहीं किया, को क्या नहीं किया, संपन्न नहीं किया ना, संपन्न माना कार्य को पूरा नहीं, हाँ, मगर वैष्णवी देवी अपना पवित्रता की शक्ति से कार्य को संपन्न किया ना, जैसे वैष्णवी की पूजा होती है काली की भी तो पूजा होती है, पूजनी है तो दोनों में, नौ देवियां पूजनी है, बाकी हाँ उनमें एक देवी ऐसी है जो पहले नंबर में, बाकी जो है वो पटरानियों की लिस्ट में आ जाती है, कुछ ग्रेड कम हो जाता है, और उनके फॉलोअर्स से भी नंबर वार है, अव्वल नंबर की देवी तो फॉलोअर्स भी अव्वल नंबर की, और चंडिका देवी तो फॉलोअर्स भी चांदाल वगैरह कहे जाते, ग्रेड्स अलग अलग है, जैसे नौ ऋषियों के ग्रेड्स अलग अलग है, और उनसे उत्पन्न होने वाले जो नौ ब्राह्मण वर्ग है उनके ग्रेड्स भी अलग अलग है, ऐसे ही है, और कहा है माता गुरु बनना पड़े नहीं तो उसका भी उद्धार नहीं होगा, माता गुरु बनना पड़े नहीं, बनना पड़े नहीं, ये तो माता के लिए कंपल्सन हो गया, ये कहा माता गुरु बनाना पड़े, क्या जो भी मात्र शक्ति है, जो भी मनुष्य मात्र है, जो भी पुरुष है, उनकी भावना अंतिम समय में ऐसी हो जाएगी कि स्त्री मात्र को माता की दृष्टि से देखेगी, चाहे वो 16 साल की कन्या हो और चाहे वो शादीशुदा हो और चाहे वो वृद्धा हो, सब शिव की शक्तियां हैं, सब माताएं, परम पिता एक और सब बत्तियां हैं, सब पार्वतियां हैं, सब सीता हैं, हम सब की माताएं हैं, ये भावना
मनुष्य मात्र को पक्की करनी पड़ेगी। नहीं पक्की करेंगे तो धर्मराज के डंडे खाते रहेंगे। इसलिए बोला माता को गुरु जरूर बनाना पड़े। पहले से ही बना लें तो नंबर आगे हो जाएगा। जितना बाद में बनाएंगे तो नंबर पीछे रहते। दृष्टि बदलने का ही तो सारा खेल है। नारायण तो ज्ञान ज्ञान लक्ष्मी को देता है तो फिर लक्ष्मी और सत्यनारायण को क्या देना बाकी रहता है? लक्ष्मी सत्यनारायण को और क्या देना बाकी? लक्ष्मी सत्यनारायण को क्या देना बाकी? माता बनना तो एक होता है ज्ञान। बाबा जैसे कहते हैं कोई आत्मा ज्ञान से उठती है और कोई आत्मा इतने ऐसे उठती है। सच्चा इतने प्योरिटी को कहा जाता है। तो लक्ष्मी में कौन सा गुण विशेष है? प्योरिटी। और नारायण का तो नाम ही बताता है नारायण। ज्ञान ही उसका घर है। हाँ ये अंतर जरूर है कि ज्ञान एक भगवान से आता है। और इतने स्नेह आता है जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है उससे इतने आता है। अगर एक जन्म में भी वैश्या बन के रही होगी तो सच्चा स्नेह नहीं कर सकती और न दूसरों को सिखा सकती। अभी तो काली मूर्ति दिखाती है भयानक होती है। असल संहारिणी कहा जाता है। जो संहार करने वाला होगा विनाश करने वाला होगा वो भयानक रूप होगा या प्यारा रूप होगा? भयानक ही होगा। और उसमें जो भयानकता का जो विशेष रूप दिखाया जाता है उसमें खास कौन सा ऐसा अंग है जो विशेष भयंकर दिखाई पड़ता है? क्या जीव लपलपा के सबको खा जाती है? क्या खा नहीं जाती है? ऐसी लंबी जीव है कि ऐसा ज्ञान सुनाती है कि सारी मनुष्य शक्ति ज
जो ज्ञान पूरा अर्जन नहीं करने वाले है, धारणा में धारण नहीं करने वाले है, उनको अनित्य बुद्धि बना दीजिए। अनित्य बुद्धि माना मृत्यु, और बाप के ऊपर नित्य बुद्धि माने है जन्म। बाहर की दुनिया की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया की बात है? ऐसा पाठ महाकाली का ही क्यों दिखाया जाता है? और देवियों को इतना भयंकर क्यों नहीं दिखाया गया? और देवी अभी तो नंबर वार है, वो काली नहीं बनती है क्या? है बनती है, एक को छोड़ करके सब काली बनती है। नंबर वार, लेकिन वो सब की अम्मा है क्या? सबकी अम्मा माने जगदम्बा। ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा, अभी तथाकथित जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो क्या कर रही हैं? बाप के बारे में ग्लानी कर रही है या गायन सुना रही है? तो ग्लानी कर रही है, और ग्लानी जीभ से ही सुनाई जाती है या आंखों से? जीभ से ही ग्लानी सुनाई जाती है। जो ऐसा करती है वो सब समोपधान धर्मों में कन्वर्ट होने वाली है। और उन सब की माँ का पाठ बजाने वाली है महाकाली। क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्मा। जैसे कहते हैं कि एडवांस पार्टी में सबके बाप बैठे हुए, बाप माने भी अच्छे से अच्छों के भी बाप हैं, तो बुरों से बुरों के भी बाप हैं। ऐसे ही माँ भी करने की क्या दरकार है? चुप रहना अच्छा या इंटरव्यू करना अच्छा? चुप रहना तो अच्छा ही है। बाबा तो फिर अच्छा किया तो उसको डूबी जा क्यों कहा ना है? क्या किया ना फिर? माना विनाश की लिस्ट में आना तुम पसंद करते हो। डूबी जा क्यों? हाय
पसंद करते हो कि नहीं? बाप का सहयोग विनाश की लिस्ट में आना पसंद करते कि नहीं? पहले हाँ या ना कहो। नहीं 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 बाप का सहयोग दिया ना। बाप का सहयोग तो दिया लेकिन वैष्णवी जैसा सहयोग दिया, अपन नंबर का सहयोग दिया, ऊंची भुजा का सहयोग दिया या नीची भुजा का सहयोग दिया, लेफ्ट भुजा का सहयोग दिया या राइट की भुजा का सहयोग दिया? उनका अच्छा समझते हैं लक्ष्मी का पूजा करे तो दूरी का जाते हैं पूरी करेंगे। हाँ लक्ष्मी भी कभी प्रभाव में आती होगी महाकाली की, क्योंकि लक्ष्मी अष्टदेवों में आती है या नहीं आती है? आती है। आती नारायण का युगल है ना। हाँ युगल तो है लेकिन सूर्यवंशी है। अरे मूल में सूर्यवंशी है जब भंगी है तो जो अष्टदेवों में आएंगे अष्टदेवों की लिस्ट में वो असम सूर्यवंशी होंगे या दूसरे वंश के होंगे? वो तो कन्वर्ट होने के बाद सूर्यवंशी बनेगी, ओरिजिनल में तो सूर्यवंशी नहीं है। और सभी धर्मों में गुरुदेव की संदर्भ चाहिए बाबा है, सभी धर्मों में धर्म दूसरा धर्मों के लिए हाँ सूर्य की चंद्रवंश की दोनों भी है ना। सभी धर्मों में सभी धर्मों में सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी कितने जन्म लेते हैं? अरे कितने जन्म लेते हैं सूर्यवंशी? टोटल जन्म कितने लेते हैं? बोलो। अरे पूछ के बता दो। 84 जन्म लेते हैं तो सब धर्म वाले 84 जन्म लेते हैं? लेते हैं नहीं लेते? प्रश्न ऐसा है जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी श्रेष्ठ आत्मा ये है ना, वैसा ये हर धर्म में ऐसा श्रेष्ठ आत्मा होता है? श्रेष्ठ कहेंगे देवताओं को और देवता कहेंगे 84 जन्म लेने वालों को, नहीं तो कुछ न कुछ भ्रष्ट भी है। ऐसा कहा गया थोड़ा सा कहा देंगे आप देवता किसको कहा जाता है? कितने जन्म लेने वालों को देवता कहा जाता है? पूरे 84 जन्म लेने वालों को देवता कहा जाता है। तो जिनके जन्म कम हो जाते हैं उनकी कला भी कम हो जाती है और जिनकी कलाएं कम हो जाती है वो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा फिनिशिंग में अंतर है बोला तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं हुए ना। ये बात हर धर्म में अच्छे भी हैं और हर धर्म में बुरे भी हैं। अगर अच्छे हो मान लो इस्लाम धर्म में सब विशियत है, कोई अच्छा नहीं है, तो आखिरी जन्म में अष्टदेवों में से एक आत्मा खिसक करके इस्लाम धर्म में चली गिर जाती है, गिरती है ना? तो कहेंगे ना इस्लाम धर्म में भी एक अच्छे से अच्छा है। उस हिसाब से बोला और बाबा कोई भी धर्म चलना है तो उनको प्योरिटी की तो जरूरी है, बिना प्योरिटी का कोई धर्म नहीं रह सकता। नास्तिक दुनिया में है या नहीं है? प्योरिटी है कैसे? बाप ने नास्तिकता का ना उनको है, बाप ने अपने पास निकाल दिया ना उसको। बाप की तो युक्ति है अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है भाई। वो तो बाहर का प्यार तो वो अनुभव कर रहा ना है, वो बाहर का प्यार तो अनुभव कर लिया ना। अकल बनी बंदर की दुम की गंगा है।
होते हैं जो बाहर का मान मत वाले ना पसंद करते हैं, कोई होते हैं जो बाहर का मान मर्तबा मिले न मिले लेकिन अंदरूनी प्राप्ति पसंद करते हैं, कोई दिखावा पसंद करते हैं और कोई दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो कौन से अच्छे हैं? इसके नीचे में दिखावा पसंद करते हैं, इसीलिए वो क्लास धर्म है। और सूर्यवंशी दिखावा पसंद नहीं करते, इसलिए फर्स्ट क्लास धर्म है। बाबा एक दीदी ने कहा है जगदम्बा के लिए कमलफुल पंजा, कमलफुल पंजा कहा है? मतलब कीचड़ में रहते ही उपराम रहती है, कीचड़ में रहते हुए मतलब वहाँ तक आ गया, रहते हुए उपराम रहती है। इतने दिनों अनेक बच्चों वाला प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कह देते वो बात अभी जगदम्बा के लिए कह रहा है। मना पूजाओं को चलाने वाला युवाओं के स्थान लेकर वो जगदम्बा को कमलपुर का मत कह रहा है, प्रजापिता को देते थे ना बाबा पहले, अनेक बच्चों वाला प्रजापिता ब्रह्मा को मंदिर वाला सब से ही कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, मतलब इसमें दोनों आ गए प्रैक्टिकल पार्टिकुलरी सेंटेंस, प्रजापिता भी है तो ब्रह्मा भी है, वो दोनों ही आत्माओं की जोड़ी हो गई। और वो कमलफुल पाटीदारी कमलफुल समान पाटीदारी जगदम्बा को देकर वो पूजा को चलाने वाला शिवालयों के स्थान पर चला गया, माताओं के बीच में जगदम्बा और पुरुषों के बीच में शंकर का पाठ, शंकर को भी कमल फूल के ऊपर आसन दिखाया जाता है, रहता कीचड़ में है लेकिन बुद्धि से उपरांत स्टेज है, यादगार दिखाते हैं कमल फूल समान, जैसे कमल का फूल कीचड़ में डुबो दो और कीचड़ के ऊपर उठाओ तो सारी बूंदे नीचे गिर जाती, एक भी बूंद नहीं रहती, ऐसे ही आत्मा का मन बुद्धि रूपी आत्मा का ये पार्ट है जो शिव के मंदिर में शिवलिंग को दिखाया गया है, बुद्धि उपराम रहती है, नहीं तो जो सन्यासी है दृष्टि के कीचड़ को त्याग करके जंगल में चले जाते फिर भी बुद्धि कीचड़ को याद करती है और अंत मते सो गते फिर कीचड़ से जन्म लेते हैं, ये
सेवा करते हो, धनुष की सेवा करते हो, हाँ रूप में होता है बंदी पार में की जाते हैं, सुख रहती है। हाँ धन की सेवा, धन की सेवा जो करते हैं उसका तो बचत होते हैं। ज्यादा ताकत किसमें होती है? गुप्त में ज्यादा ताकत होगी या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत होगी? हाँ तो गुप्त हुआ या प्रत्यक्ष हुआ? हाँ प्रत्यक्ष हो गया। शरीर की सेवा करने वालों में अहंकार भी बहुत आता है। अच्छा तो है जिसके पास तन है वो तन की सेवा करेगा, है वो रोगी तो तन की सेवा कैसे करेगा? धन बहुत है, तो कोई भी कार्य जब सारी शक्तियां लगा के किया जाता है तो जल्दी सफल होता है। मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही शक्तियां एक साथ लगा कर जो जो काम किया जाएगा उसकी सिद्धि जल्दी हो जाएगी। और जन्म जन्मांतर भी ऐसे ही होता है। हाँ जी पांडवों की पांडवों की पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, ऐसा किला बन जाएगा, ऐसा संगठन बन जाएगा। उस संगठन में एक भी माता लीकेज करने वाला नहीं होगा। तो जब लीकेज ही नहीं होगा तो कोई असुर प्रवेश भी नहीं कर सकेगा। अभी तो असुर प्रवेश कर रहे हैं ना, सागर मंथन हो रहा है और राहु केतु प्रवेश होकर के बैठते हैं या नहीं बैठते? बैठ जाते। कितने गाए जाते? कितने गाए जाते हैं वो हुआ भी, फिर उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते ताकत थोड़ी हो जाती। पिछले बार पूछा गया राम को आखिरी जन्म, राम आखिरी जन्म में पूरा नास्तिक है, तो फिर बाबा हमने पूछा था वो बुद्धियों को मान रहा भी है और पूछा रहा भी आ रहा है। ये वर्तमान की बात है या लास्ट की बात है? बाबा पूरा सुनने को हाँ, तो जो बोल रहे हो उसकी बात बताइए, आप तो रिटायरमेंट कर लो। वही पूछ रहा हूँ, सुधार लो। वो मुरली की सुन रहा है, सुन रहा है, ये वर्तमान की बात हुई। उच्चारण भी किया है, उच्चारण भी वो पास की बात हुई। नास्तिक कैसे? वो नास्तिक लास्ट की बात है या पास की बात है या वर्तमान की बात है? अरे राम जो रावण बनता है वो लास्ट समय की बात है या वर्तमान की बात है या पाप के पुरस्कार की बात है? राम की आत्मा 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती तामसी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए। और 500-700 करोड़ लास्ट में होंगे पुरस्कार की पाप का संदेश पाने वाले, या अभी होंगे या पास में हो चुके हैं?
तभी कहा गया ना बारह समय पूरा नास्तिक इस समय कहा इस समय किसी को आस्तिक मानता है किसी के ऊपर साकार के ऊपर आस्था है कि सबको भ्रष्टाचारी समझता है। अरे किसी को भगवान समझ करके उसकी बात मानता है तो फिर आपसे कहे या नास्ते के मतलब बाबा ये भी कहा गया ना वो तो अनिश्चय रूपी मृत्यु होता ही नहीं तो उनका निश्चय पक्का है। आप किसके ऊपर निश्चय तो फिर किसी को मानना है ना तभी तो निश्चय इसके किसके ऊपर है शिव के ऊपर है शिव क्या कीजिए और ये भी इशारा दिया गया है लो एक एक बात का जवाब को दो बाबा कहने से तेरे बुद्धि में जिंदगी आती है जिंदगी आती बुद्धि जिंदगी के लिए कहा जिंदगी के लिए नहीं कहा जिंदगी इस माँ के तन में प्रवेश करके दूध देती है इस दूध को पी करके इतना पावरफुल बनता है। भगवान की बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है ज्ञान उस ज्ञान को जिसने महत्व दिया है 100% वो पावरफुल बन जाते हैं। जो अपने ही धंधे दौड़ी में लगे रहे तो कहेंगे मत दिया है? कहेंगे नहीं कहेंगे भगवान मिला भगवान का ज्ञान मिला तो फिर भगवान का साथी बन जाना चाहिए ना। एक सेकंड में भी क्यों व्यर्थ लगाना चाहिए जबकि गारंटी भी हुई है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। चिंता किस बात की है बाबा चिट्ठी में कुछ लिखा है ये लंबी लंबी चिट्ठियां सभा में बैठ के नहीं पढ़ी जाएंगी एक दो लाइन लिख के दो तो ठीक भी है अब तुम पूरा पेज भर करके लिखोगे। बाबा एक दो प्रश्न तो पूछो मैं उस चिट्ठी में है उस चिट्ठी को छोड़ो तुम पूछो जुलाई महीने का 19 जुलाई महीने में डीके सदीके ने जो साकार मूर्ति चर्ची है ना उसमें एक पॉइंट आया है कि उसमें प्रश्न जो मुरली में पहले पहले लिखते हैं प्रश्न जिसको अल्लाह को सृष्टि का रचयिता मानते हैं उनको कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए और उसने उत्तर में लिखा है अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं तो वो इन्वेंटिव होना चाहिए ना है? उत्तर में लिखा है अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं तो वो फीमेल भी चाहिए ना रचना के लिए फीमेल चाहिए। हाँ तो फिर गॉड फादर कहते हैं तो गॉड फादर भी होना चाहिए ना गॉड मदर होती नहीं है मतलब उसमें ऐसा लिखा है और उसमें ये भी लिखा है और फीमेल है ये ब्रह्मांड यही ये बड़ी माँ है मतलब दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा को माँ कैसे कहते इसीलिए तो उसकी पूजा नहीं होती है की पूजा होती है वो ही जगदम्बा है जगत पिता है तो जगदम्बा भी है परंतु गॉड मदर को विदेशी नहीं मानते हैं
फिर भी मानने वाले कौन होते हैं? भारतवासी मानते, क्योंकि प्रवृत्ति मार के सिख धर्म वाले दोपहर 12 बजे तलवार लेके मुसलमानों को अंग्रेजों से सामना किया और भारतवासियों को विजय मिला। फिर वैसे ही जब सन्यासी आएंगे तो तुम्हारा विजय होगा, ऐसे विजय माला आए कि तो तुम्हारा विजय होगा। ये सब 2018 के बाद आएंगे क्या? कहाँ आएंगे? माना विजय दिलाने के लिए। तो कहाँ आएंगे, किसके बीच आएंगे? बाबा ने कहा अष्ट देवों के पहले बीच से पहले आएंगे। हाँ, अष्ट देव तो सूर्य वंशी है और जो विजय माला की है वो कौन से वंश की है? चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी चंद्रवंशियों के बीच में परिवार में पहले प्रत्यक्ष होंगे या सूर्यवंशी जान लेंगे उनको? अरे जो जिस परिवार में पैदा होता है प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है तो परिवार के लोग पहले जानेंगे या बाहर के जानेंगे? परिवार के पहले जानते हैं। बाबा भारत माता भी पढ़ा ना माता भी है? हाँ, विजय माला है तो भारत माता भी कहाँ है? ठीक है, तो फिर भारत में तो सभी रहते हो आप? ऐसे तो सभी हैं, लेकिन अंत तक कौन रहते हैं? अंत तक कौन साथ निभाते हैं? पर बाबा ने गारंटी दिया। तो जो अंत तक साथ निभाते हैं वो है सबके भारत वाले। बाबा ने गारंटी दिया है तुम सबको एक साथ लेकर जाऊंगा। हैं? बाबा ने गारंटी दिया है। वो तो कमदारों वालों को लेके जाऊंगा, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन पहले किसको लेके जाऊंगा? अरे बारात जाती है तो बारात में घरवासी जो है वो साथ साथ जाते हैं या बारात के लोग भी साथ साथ जाते हैं या पीछे जाते हैं? ऐसे तो भूत प्रेत भी बराती होते। वो भूत प्रेत बनने वाली तो वो आत्माएं होंगी कि जब विनाश होगा अचानक भूकंप आएंगे तो अकाले मौत में मरते रहेंगे, भूत प्रेत बनते रहेंगे। वो भूत प्रेत भी बराती होंगे। बाबा गोवर्धन गिरी पहाड़ को उठाने के लिए संगमित कृष्ण है ना? है वो बच्चा ले है गोवर्धन गिरी पर्वत को उठाने के लिए संगमित कृष्ण है ना? ठीक है, तो फिर सभी तो उसमें नहीं जा सकते है? विनाश में तो सभी नहीं जा सकते। गोवर्धन पहाड़ में जो छत्र छाया में बचने वाले होंगे वो वही तो होंगे जिसको कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को सबसे छोटी कमजोर उंगली पर उठाया है, नहीं तो 5 पांडव गिने जाते। एक 2 3 4 5 आखिरी धर्म कौन सा है? जो कनिष्ठिका का सूचक है, छोटी उंगली का। अरे अरे दुनिया का सबसे छोटा धर्म माना जाता है नास्तिक धर्म, वो तो सारे चीन में और एशिया में फैला हुआ है। हाँ जी, सिख धर्म की कोई मुख्य आत्मा है जो चार के चित्र में बड़ी माता के रूप में दिखाई दे? वो
ये कनिष्ठिका उंगली है सहयोग देने वाली, कृष्ण भगवान की सहयोगिनी है। पूरे 16,000 के पहाड़ को इस अंगुली का पालना करती है। गऊ वर्धन, कितनी गऊ है? 16,000 गऊ गाई हुई, उनकी पालना करने वाली एक। तो नाम पड़ गया गौवर्धन पहाड़। 16,000 जो आत्माएं हैं राज परिवार की हैं या पर्यावर की है? राज परिवार की है। तो उसमें सारे ही प्रसिद्ध राजा रानियां हैं, तो उनको फॉलो करने वाली कोई प्रजा भी होगी या नहीं होगी? जो प्रजा होगी वो छत्र छाया के नीचे रहती है और बाकी बाहर रहती है। उनकी कोई गारंटी थोड़े ही है? छोटी है मुली क्या सिंपल? और तुम ऐसे सिंपल बना लो, सिंपल बना लो तो क्या है, ऐसा बना लो।